हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। तो आज ना एट रैंडम प्लान बन गया है 22 जाने का। एंड एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड का फोन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो बोला मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम 22 जाओगे और मुझे लेके नहीं जाओगे, तो मैं जा रही हूँ 22। एंड छोटे छोटे क्लिप आपको दिखाऊंगी, वहां पे क्या चीजें नई आई है वो दिखाऊंगी। बट अभी मैं जो काम कर रही थी ना, वो मैं पहले आपको क्लिप में ऐसे घूमती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये जो मैं वीडियोस बनाया था ना, अभी 2-3 जो वीडियो आप देख रहे हैं शॉर्ट ड्रेस के नीचे, ये इतना ज्यादा फैल जाता है ना काम कि ये निकालो, फिर उसका मिक्स एंड मैच करो, देखो कि क्या इसके साथ चलेगा, कौन सा चलेगा, जो चीजें मेरे पास है उसमें क्या कर सकते हैं। तो वो सब मैं अभी यहाँ पे बैठ के तह लगा रही थी कि अब मेरे को इसमें ये सब चीजें रखनी भी है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सामान निकालना है। तो मैं फिलहाल अभी ये कर रही थी एंड इसने मेरे को बोला कि मैं 22 जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जाओ भाई, मैं भी चलती हूँ। तो अभी जाती हूँ। और अभी ये है कि डॉल्सी को मैंने खाना भी नहीं खिलाया है, तो पैक करके ले जाऊंगी, क्योंकि आज ये पहली बार, मतलब ऐसा हुआ है जब से इस जन्म लिया है इसने, तो पहली बार ये मतलब नाश्ते में, मतलब ये रोटी पराठा खाया है इसने। ऐसे जनरली ये सुबह में नहीं खाती है। तो आज पता नहीं क्या हुआ था, इसने बोला कि आज मम्मा मैं अभी ना पिज्जा खाऊंगी और सेवई, तो वो उसने खाया हुआ है, तो इसलिए लंच थोड़ा लेट करेगी। तो अभी बजने वाले हैं 4:30 हो रहा है, तो होपफुली मतलब 5 बजे तक हम निकलेंगे। तो अभी धूप भी बहुत ज्यादा है, देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो इसके मोबाइल का ही काम होगा, तो मोबाइल वाले शॉप का मैं कोई क्लिप नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट 22 पहुंचते हैं तो फिर मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ कि क्या है नहीं है, देखते हैं। पता नहीं वहां पे जाके समझ में आ गया, कुछ लेती भी हुआ नहीं, कुछ पता नहीं है। बट ये है कि अभी जाने वाले हैं हम, थोड़े ट्रिप डिसाइड हुआ है अभी करने का, तो हम सोच रही हूँ कि उसमें कुछ लूज वाले जीन्स, लूज हाई वेस्ट, जिसको मतलब स्टाइल कर सकूं मैं ज्यादा तरीके से। शेयर जरूर करूंगी आपके साथ कि हाई वेस्ट किस किस टाइप के आपके पास जीन्स होने चाहिए, तो वो करने वाली हूँ। एंड एंड मम्मा जी के लिए गॉगल्स लेना है, उन्होंने बोला है, तो होपफुली वो भी ले मिल जाए। तो चलते हैं। So, आज का शॉपिंग हो गया है फिलहाल स्टार्ट। तो अमी मैंने कर लिया है 2 जीन्स बाई, जिसको मैंने करना है ट्रैवल के लिए, क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। होप सो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहीं करूंगी मैं जब भी ब्लॉग बनाने का सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ शेयर करूंगी या नहीं करूंगी, कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये मैंने 2 पैंट खरीद लिए हैं, और ये देखिए तो बस यहाँ डॉल्सी जी एज यूजुअल घुसते ही इनके नखड़े चालू हो गए हैं कि अब यहाँ पे जरा मुझे पॉपकॉर्न दे दो उधर से, और ये इनको ये दिख जाएगा चॉकलेट वाला जो बच्चों का होता है, ये क्या बोलते हैं यार इसको, कैंडी वैंडी, यही लेने के लिए जिद विद करने लगेगी कि नहीं पहले मुझे ये दिला दो। तो ऐसे ये खाती नहीं है ये, और ना ही हम दिलाते हैं, लेकिन आज इनको दिलाया गया और वो वेस्ट ऑफ मनी ही रहा। एक्चुअली मैं आपको यहाँ लेके चल रही हूँ जिस दुकान से ना मैंने अभी वो पैंट लिया था। हुआ क्या कि मैं पैंट लेने टाइम तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, बट उसने फिर एक बंदा भेज के बोला कि मैम को बुला के लेके आओ, क्योंकि मैंने खरीदे थे। और उससे जब मेरी बात होने लगी, मैंने बोला कि नहीं ये रेट तो सरोजनी में ऐसे ऐसे मिलता है, तो वो मेरे को और कम लगा दिया। तो उसको लगा चलो आप दिल्ली वाले हो तो आपको कम लगा देते हैं। तो मेरे को ये दोनों जो जीन्स थी ना, वो मुझे 600 में 2 जीन्स मिली थी, जिसमें से एक जीन्स 450 या 500 बोल रहा था, 450 बोल रहा था, तो उसको भी मैंने 300 रुपए दिए उसके। तो अब ये मेरे को बुला के ले आया, क्योंकि मैं जो फोटो दिखा रही थी वो बोल रहा था कि ये वाला जीन्स भी है, आप एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यही मेरे को दिखाने वाला है यहाँ पे, खरीद के तब इनको याद आया कितने की है ये। नहीं डालूंगी सच में, नहीं डालना क्यों, नहीं 350 तो फिर उसमें से एक निकालना पड़ेगा मुझे और क्या। अच्छी तो है, कोई नहीं ना, सेम वही है, आईरिश भी है उसमें, देख लो फोटो, इसमें देख लो सेम वही।
अब मैं आपको अंदर की मार्केट की तरफ लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि आप यहाँ पे क्या नया क्रॉप टॉप आया हुआ है। तो इस टाइप वाले क्रॉप टॉप अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखने को मिल रहे थे, और नॉर्मल जो मीशो पे दिखता है ना वो सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा था। और प्राइस का बताऊँ तो प्राइस भी ऑलमोस्ट मीशो से जैसा ही है, या 100-200 रुपये किसी का कम कराना पड़ रहा था, जैसे कि प्राइस वैसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मीशो से बहुत ज़्यादा कम प्राइस में यहाँ पे मिल रहा था, ऐसा नहीं है। क्यों, और यही सब बैग थे, ये सब थे। एक्चुअली मेरे को यहाँ से अंदर से लेना क्या था, कुछ ज्वेलरी लेनी थी अपने लिए वेस्टर्न वियर की, एंड मुझे एक अपने लिए एक स्लीपर लेना था। मेरा स्लीपर काफ़ी स्लिपरी हो गया है आजकल, तो इसलिए नया स्लीपर लेना था। देखो आगे होता क्या है, मैं यही ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं ना, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे आप, जाओगे ना तो नंबर याद करना पड़ता है। जैसे हमें तो मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, जबकि मैं हमेशा जाती हूँ फिर भी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता है तो मैं बस इनको ही फॉलो आउट करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ। यहाँ पे बच्चों का भी कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और मेरे को यहाँ पर टी शर्ट्स ये सब जो होते हैं ना, नाइट सूट वाले, ये सब भी मेरे को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि 100-150 रुपये में भी मिल जाता है। और पहले ये ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे को मार्केट में, क्योंकि बाहर में जो निकाल के बेचते थे बाहर से बहुत सस्ते रेट में बेचते थे, बट यहाँ अंदर में ना दुकान का वाल में थोड़ा सा दुकान वाला टाइप का भी प्राइस रहता है, देख सकते हो 350 ऐसे इस टाइप के सीक्वेंस वाले चल रहे हैं। तो यही है, और मैं देखते देखते चल रही थी, बट मेरे को कोई क्रॉप टॉप या ऐसा कुछ लेना नहीं था। बस यही मैं देख रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है, एंड मैं अपने स्लीपर का शॉप ढूंढ रही थी इधर से। एंड यहाँ पे एक आपको बताऊँ, यहाँ पे ना इधर से जब निकलोगे मंदिर के पीछे वाले जगह पे ना, तो यहाँ पे बेल्ट भी ना काफ़ी सस्ते सस्ते मिल रहे होते हैं। मिंत्रा पे जो बेल्ट आपको 600-700 में मिल रहे होते हैं, यहाँ पे 200-200 रुपये में बेल्ट मिल जाता है, 250 रुपये में बेल्ट मिल जाता है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे पीछे की तरफ जाके ना, यहाँ से एक बार मैंने ब्लैक कलर का लिया भी हुआ था, और वो जेन्युइन होता है, मतलब ठीक होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मतलब ना। और ये लिया, और अब आप आपको मैं अपने ज्वेलरी वाले शॉप की तरफ लेके जाती हूँ। पीछे की तरफ से जाओगे ना, गोल चक्कर जब आपका कंप्लीट होगा तो ये मंदिर पड़ती है, मंदिर के जस्ट साथ में ही एक शॉप आता है यहाँ पे। पहले तो यार ज्वेलरी का सोचना नहीं पड़ता था बाइक में आने के बाद, बट अब ना दुकान से ही लेना पड़ता है, यहाँ पे कुछ बाहर वाला सब बंद हो गया है। तो इस तरह की जो ज्वेलरी है, इन सब का क्या प्राइस है भैया? 250 का होगा। अच्छे अच्छे तो है, देखो पसंद करो कौन सा लेना है। चल दुकानों में यहाँ पे ना इयररिंग में ये सब चीजों में ना प्राइस ये लोग कम करते नहीं है, बट इसका क्या प्राइस, मैंने 50 रुपये कम करा लिए थे। एंड मैं आपको आगे वाले वीडियो जब घर जाऊंगी ना तो पहन के भी दिखाऊंगी क्या क्या लिया है, तो वहाँ वीडियो एंजॉय करो। एंड फाइनली अब इस दुकान से निकलने के बाद मैं जाऊंगी स्लीपर का एक मिलेगा शॉप, लेकिन क्या ही होता है वहाँ, वो भी पसंद नहीं आएगा मुझे। तो ये ना बड़े बड़े जो मतलब ये दोनों तीनों सेट मिलते हैं, अब मेरे को तो एक तो इतना घूमने के बाद मेरे को ये हो रहा था ना कि थोड़ा डेली वेयर का चाहिए, ज़्यादा स्टाइलिश और वैसा नहीं चाहिए। तो मेरे को ये इतना एक तो पहले पसंद नहीं आ रहा था देखने के, सब लग रहा था जैसे बोरिंग पहले वाला डिज़ाइन लग रहा था, और उसके बाद एक पसंद भी आया ये ब्लू कलर वाला जो आप देख रहे हो, ये पसंद मुझे आया। एक्चुअली मेरे पास में बहुत रेयर ही होता है कि कोई अच्छी लगती है,
ऐसा होता है मेरे साथ। ये वाला मुझे स्लीपर पसंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरे को पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़े पंजे जो है ना चौड़े से हैं। तो ये हो रहा था कि पता नहीं लिंग नहीं लिंग थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा ना रिलैक्सेबल नहीं लग रहा था मुझे ये पहनने के बाद, पड़ जाता है ना। अब मैंने ये लिया नहीं, हमने फिर डिसाइड किया कि चलो सेक्टर 15 चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे मिल रहा है या नहीं। तो शायद डॉल्फी हमें अभी उधर ही लेके जा रही है आज। भूख लगी है डोला, जाना। लेकिन हम दो पैकेट दो प्लेट मोमोज पैक कराएंगे, लेकिन बात ये है कि पैक करा के ले जाके खाओगे तो मजा आएगा। तो वहीं खाने एक प्लेट। फोन करूँ? तुम अभी तो फोन नहीं किया क्या? नहीं, मैं करूँ क्या? नहीं नहीं, तुम नंबर मेरे नहीं है। तो फ्रेंड हम सेक्टर 15 पहुंच गए हैं पटेल मार्केट। तो यहाँ का जो भी बेस्ट मोमोज है, ये अधिकारी मोमोज करके इनका मोमोज हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, एक्चुअली भी बहुत अच्छा है। कभी मैं उनका इंटरव्यू लेके भी आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगी। अब एक्चुअली वो बहुत हम उनके शॉप पे हमेशा आते रहते हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली जूसी मोमोज खाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट वो हमने फ़ोन कर देते हैं उनको कि भैया हम आ रहे हैं, आप जूसी मोमोज रखना है स्पेशल। तो वही फ़ोन की बात हो रही थी, तो वो और बेहतर बना के रखते, बोलते ठीक है आप आ जाओ। बट आज क्या हुआ कि आज ये बोल रहे थे कि नहीं मेरा कुछ धंधा मंदा चल रहा है, कुछ हो गया है उनका। तो बोल रहे थे कि नहीं आज मोमोज आपको उतने बेस्ट मोमो मेडम कर लो ना, तो उन्होंने पहले ही तरीका जान लो। हां जैसा मोमो नहीं है, अभी भी बनाया है, लेकिन थोड़ा से स्टीम हो गया, तो पर रुक जाते हैं ना फिर मोमो नहीं लेकिन मैं कर रहा सारा अभी बना के एक मिनट का चला। अब यहाँ क्या करने आई हो डॉल से? नूडल खाने। अब मम्मा क्या खाएगा? डैडा चिकन नूडल और नूडल। आप नूडल और डैडा क्या खाता है यहाँ पे? तो बस पहले मेरा मोमोज आ गया एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग, और डॉल्सी का अपना नूडल आ गया है। और जब ये मोमोज काफी ज्यादा अच्छे थे तो हमने एक प्लेट और इसमें रख लिया है, क्योंकि हमें लेट हो रहा था, इसको नाइट शिफ्ट भी जाना था। तो अब ये डॉल्फी का अपना नूडल फिनिश कर रही है। चलो तब तक मैं आपको बिलिंग होता है, उसके बाद मैं आपको सेक्टर 15 की कुछ गलियों से मुलाकात कराती हूँ। एंड सेक्टर 15 में भी कुछ शॉप है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको वेस्टर्न वेयर की मतलब ईयर रिंग मिल जाते हैं, इस तरह की रबर बैंड, इस तरह का काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये देखो मैंने यहाँ से अपनी शॉपिंग कम्प्लीट कर ली है। तो मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा थकी हुई लग रही हूँ मैं, और थकी हुई तो हूँ, कोई नहीं थक तो गई हो यार। देख रहे हो कैसे भी एकदम एट रैंडम प्लान में ऐसे गई थी चबरू टाइप। तो कोई नहीं, हम आ गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। मैं ज़्यादा क्लिप बना नहीं पाई ना, उसमें बैटरी लो हो गया था, तो जिसके कारण मैं ज़्यादा क्लिप बना नहीं पाई। कोई नहीं, बट इसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। एंड एक और बात मैं आपको बताने वाली थी कि जैसे ना मैंने जो जीन्स खरीदे डेनिम वाले ना, उसमें ये था कि वैसे वाले ना H&M में मैंने देखा था, वो 2000 समथिंग में दे रहा था, 2200-2300 का था। तो मैंने YouTube पे सर्च किया यार इसके ड्यूप्स मिल जाए उसी तरह के जीन्स थोड़े कम प्राइस में, तो मैंने Amazon पे देखा था। तो वो वाला यहाँ पे पिक्चर डालोगी, तो मुझे इस टाइप का जीन्स चाहिए था। तो बट मैं सोच रही थी 22 जा ही रही हूँ, तो वहाँ देख लूँगी, जिससे क्या होगा कि कम प्राइस में शायद 1000 से भी कम में मिल जाए, क्योंकि सरोजनी का में भी इस तरह का मिल जाता था।
तो मैं वही फोटो लेके गई थी वहां पे, फिर भैया को मैंने दिखाया कि इस टाइप से चाहिए, तो जाके फाइनली उस टाइप का मिल गया है मुझे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो तो आप जो जिस टाइप का जीन्स चाहिए आप फोटो लेके जाओ, उनको बताओ कि मेरे को इस टाइप का कुछ चाहिए, तो उस तरह से आपको मिल जाता है। तो होपफुली अभी मैं पहन के देखूंगी कि कैसा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो होता है कमर वमर का, और जिनको नहीं पता है कि कमर का कैसे चेक करते, तो ये चीज मैंने सरोजनी में ही सीखा था कि जैसे हम जीन्स खरीदते हैं तो फिर पीछे जीन्स को नेक में लगा के और दोनों अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो मतलब वो आपको आ जाएगा। तो वो करके मैंने देखा एंड उस तरह से आ रहा था, पहनने पे देखती हूँ कि कैसा आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड फर्स्ट वन जो ये मैंने डेनिम लिया है, इसको जॉगर जींस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप चाहे तो इस कुछ ऊपर करके भी पहन सकते हो, दोनों स्टाइल से आप इसको स्टाइल कर सकते हो, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ भी। मुझे पर्सनली थोड़ा जॉगर जींस को थोड़ा सा ऊपर करके पहनना ज्यादा पसंद आता है इन द केस ऑफ ट्रैवल। और इस तरह से यहाँ पे ये इतना ज्यादा लूज फिट का होता है ये, तो इस तरह से देख सकते हो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आपको कहीं जाना आना है तो इस तरह की जीन्स अगर आप पहनते हो तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। इसको मैंने पेयर किया, जैसे आपने देखा कि व्हाइट शूज के साथ मैंने इसको पेयर किया था, एंड इसी के साथ व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप भी वियर किया है मैंने। ऊपर जो है फ्रेंड इस तरह का ये क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक लगी हुई थी। आपको इस तरह के ना अमेजोन पे भी सर्च करोगे ना तो अमेजोन पे भी आपको इस टाइप के जॉगर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, पर वही थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होगा। ये मैंने दोनों जो मैंने बताया आपको कि 600 रुपीज में मैंने जो इसको लिया है, मेरे को टोटली वर्थ ऑफ मनी लगा। एंड ये सेकेंड वन जो लिया है मैंने, ये इस पे भी मैं अगर स्पोर्ट्स शू पहनती हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये कलर ही घूम फिर के मेरे को पसंद आता है, मुझे लगता है यही कलर बस जीन्स मेरे पास भरा पड़ा है। एंड फ्रेंड ये वाला जो जीन्स होता है इसको बोलते हैं पेपर बैग जीन्स, या फिर आप इसको मॉमफिट जीन्स भी बोल सकते हो। तो ये वाले जीन्स में ये होता है कि थोड़ी सी फिटिंग होती है, नीचे से पूरा थोड़ा सा नैरो होता है यहाँ पे लेग के पास, और ये ऊपर का जो मॉम फिट जीन्स होते हैं ऊपर में इसी तरह के रेफल से थोड़े से बने हुए होते हैं। एंड ये जारा में यही पैंट मैंने देखा था, और इसका ही डूब मैं अमेजोन पे भी मेरे को मिला था जो कि 1000 के अंडर में मिल रहा था, तो ये तो मेरे को गजब ही पड़ गया, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया है। एंड अब चलती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ कि और चीजें मैंने क्या क्या खरीदी है। सो फ्रेंड मैं बहुत थक गई हूँ, वहां जाना आना फिर उसको बनाना अभी, क्योंकि मुझे अभी कंटिन्यू जो अभी शॉपिंग चलेगी वो भी मुझे अपलोड करना है आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा डिले करूंगी तो और भी डिले होते रहेगा। तो सेम डे मैं सूट कर रही हूँ ये, एंड अब फर्स्ट मैं जो दिखाती हूँ जो मैंने 22 से लिया है, ये सारी चीजें जो है ना वहाँ की शॉप से मैंने परचेज किया, सॉरी 15 सेक्टर 15 से परचेज किया है। तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत प्रीटी सा ये आप पीछे अगर आप बालों के पीछे यहाँ पे इस तरह से लगाओगे तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने डॉल्सी के लिए जो कपड़े समर के खरीदे हैं उसमें इस कलर का उसका मैंने खरीदा है, तो मैं इसको ही डॉल्सी को ही अभी जब हम घूमने जाएंगे तो अभी उसको ही लगाऊंगी पहली बार। एंड मैं पहले सोच रही थी दो पीस ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा यार सेम दो लेने का कोई मतलब नहीं है। ये मुझे पड़ा है, इसका रेट ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिबन बॉ, एंड इसका रेट लिखा हुआ है 180, बट इसने मुझे सेल प्राइस में 150 रुपीज में दिया है। एंड सेक्टर 15 के अंदर अगर आप जब जाओगे तो बाहर में ही आपको शॉप जो दिख जाती है, बट मैंने अंदर की तरफ जो गलियों में मतलब जो घुसते हो उसमें भुलभुलैया तो उसमें जाके मैंने परचेज किया है। तो पीछे से कुछ ये इस तरह का जस्ट क्या बोलते हैं उसको क्लिप जो होता है ना उस तरह का है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड जो मैंने सेकंड चीज परचेज की है एक्सेसरीज में, आई थिंक ये सबसे महंगा यही है, क्योंकि मेरे पास कुछ कई बार ऐसा होता है ना, कोई सूट होता है कोई टॉप होता है जिसमें हम भारी भरकम नहीं पहनना चाहते हैं, तो मुझे कुछ चेन बेस्ड में चाहिए था, तो उसके लिए मैंने लिया है। पता नहीं इसमें दिख भी रहा या नहीं, तो अब मैं ऐसे पहन के दिखाती हूँ आपको। मुझे यहाँ से कैमरे का कुछ फोकस समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिखा पा रहा है या नहीं,
बट ये बहुत प्रीटी सा डिसेंट पीस है. जैसे मैं क्रॉप टॉप जीन्स पहन रही हूँ और मुझे कुछ एक्सेसरीज पहनना है तो आई प्रेफर दिस. मतलब इस टाइप का भी आपके पास एक दो कलेक्शन होना चाहिए. मैं जो सोच के गई थी वैसा वाला मुझे नहीं मिला, तो मैं स्टोन में लिया है ब्लू में. बट इस तरह के कलेक्शन आप रखोगे तो आपके वेस्टर्न वेयर के साथ आप काफी ज्यादा अच्छे लगते हो. तो ये मैं इसके अकॉर्डिंग लिया है. इवन आप इसको सूट के साथ भी पहन सकते हो यार, सिंपल लुक में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो एक ये इयररिंग ली है. तो ये इसका जो प्राइस है 150 है, बट ये मेरे को 120 रुपीज में मिला है. तो आप देख सकते हो ये भी जो है स्टोन में ही है फ्रेंड. एंड क्योंकि अभी मैंने मिंत्रा से जो शॉपिंग करी है उसके लिए वेकेशन वाले जो वीडियो आएगा उसमें देखोगे आप, उसमें मैंने एक स्कर्ट मंगाया था, साइड स्लिट ओपन है का सेक्सी स्कर्ट है वो. तो उसके साथ जो मैं टॉप बियर करने वाली हूँ वो इसी कलर का. तो मेरे दिमाग में चलते रहता है कि इसके साथ क्या इयररिंग पहनूं, ये वो है या नहीं. तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही मतलब परचेज करती हूँ. आपको भी ऐसे ही करना चाहिए यार, कि मतलब ये नहीं कि एक लाल खरीद लिया एक हरा खरीद लिया और घर गए तो पता चला यार ये तो इस पे पहनूंगी पता नहीं. तो थोड़ा सा दिमाग में रखने से ना थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है. तो ये मैंने लिया है 120 रुपीज में. इसको मैं वेस्टर्न के साथ भी पहन सकती हूँ एंड इंडियन के साथ पहन सकती हूँ. अब मैं इंडियन वेयर पे जो झुमके एंड कान वाले होते हैं ना वो थोड़ा खरीदना अब बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि यार वो इतने ज्यादा हो गए है ना कि क्या ही बोलूं. तो इस टाइप के आप ना खरीदोगे तो आप दोनों उस पे पहन सकते हो, वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो इंडियन पे भी पहन सकते हो, है ना. तो अब नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरे को बड़ा पसंद आया, मतलब बहुत अच्छा लगा. वो कुछ इस तरह का है. मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. एंड डॉल सी रानी यहाँ पे क्ले से पता नहीं क्या खेल रही है. मेरे को डर लग रहा है मेरी चीजों में ना लगा दे ये. यार ये इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हो. मैं ये मतलब पूरा व्हाइट, मतलब यहाँ जैसे क्या होता है मार्बल होता है ना उस टाइप का फिनिशिंग टाइप का लग रहा है. इसमें शाइनी बहुत है एंड किनारे किनारे तरह से स्टोन लगे हुए हैं. मैं इसको मतलब अपने वीडियोस में बहुत बार पहनने वाली हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर का ऐसा व्हाइट ऐसा चीज है ना कि आप उसको इंडियन वेस्टर्न की बात ही नहीं है, मतलब किसी के साथ भी पहन सकते हो कोई ड्रेस कुछ भी. तो ये जैसी मेरी नजर पड़ी ना वो वैसे ही मैंने ये वाली परचेज की थी. एंड ये मेरे को 150 में मिला है आई थिंक. हाँ ये मुझे 150 में मिला है बिकॉज सामान भी है. तो ये तीन चार चीजें जो मैंने ली है. एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे. हाँ एक और बात कि इसके बाद बीच बीच में मैं अपना जो वीडियो का है वो तो डालते रहूंगी, बट बीच बीच में जैसे मैं क्या ले खरीद रही हूँ अपने वेकेशन के लिए वो वाली वीडियोस डालूंगी. अभी फ्लिपकार्ट से क्या खरीदा है वो डालूंगी, फिर मिंत्रा से क्या लिया है वो डालूंगी. एंड अपनी पैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पैक कर रही हूँ, जितना ले रही हूँ वो पहन भी पा रही हूँ नहीं, ले जा रही हूँ या नहीं. तो ये सब ब्लॉग. एंड यहाँ पे फिर से बैटरी हुई लो तो मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाई. तो चलो फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.